जादू सर चढ़कर बोलेगा। कॉमेडी सर्किस दुनिया का इकलौता ऐसा गुरुकुल है जहां कॉमेडी के चेलों को पागलपंती की शिक्षा देते हैं बेइज्जती के गुरु घंटार। और आज हमारे गुरु चेला स्पेशल में पता चलेगा कि यहाँ गुरु ज्यादा घोटालेबाज है या चेला ज्यादा चालू। और इस परीक्षा को एग्जामिन करेंगी जिम क्लासेस में हंसी की ट्यूशन देने वाली कॉमेडी की प्रिंसिपल अर्चना सिंह। और ज्ञान बेशुमार जवानी सदाबहार नाम की यूनिवर्सिटी चलाने वाले ह्यूमर के डीन शेखर समान। आज हमारे गुरु चेला स्पेशल में एक ऐसे महागुरु आने वाले हैं जिनके चेले देश के हर शहर हर गांव में मिलेंगे। प्लीज वेलकम इंडिया में रेसलिंग को पहचान देने वाले हर इंडियन रेसलर के गुरु दारा सिंह जी। और उनके साथ उनका नाम रोशन करते उनके पुत्र द बिग बॉस विंदु दारा सिंह। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कॉमेडी के अखाड़े में आपका स्वागत है। यहाँ कुश्ती तो नहीं होगी लेकिन कॉमेडी की कुश्ती जरूर होगी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कॉमेडी की कुश्ती जो है मैं समझता हूँ हमारी कुश्तियों से अच्छी है। लेकिन मेरी जो नकल करता है यहाँ उसको मैं आज देख लूंगा। विंदु यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे एक ही सवाल करती हूँ, क्या आप कॉमेडी सर्कस देखते हैं? लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कॉमेडी सर्कस देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली आपको समझना चाहिए कि जितने भी पंजाबी हैं वो कॉमेडी सर्कस जरूर देखते हैं। और हम लोग अपने ऊपर भी हंसते हैं और जब हमारा कोई कॉमेडी कर रहा था तो भी बहुत मजा आता है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज टेक अ सीट। ज्ञान और चेले की चालाकी बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। शेखर अर्चना आपने एक दो बार मुक्ति को कपिल से बेटर क्या कह दिया, उसने तो कपिल को ही अपना चेला बना लिया है। मुक्ति ने खोली है डांस क्लासेस और कपिल आ रहे हैं डांस सीखने एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ये क्या है, हर बार डांस पे एंट्री। जब से ये डांस रियलिटी शो कर लिया है इतना तो वहां पे भी नहीं नाची होंगी जितना यहाँ पे नचा रहे हैं। अब तो मैंने डांस स्कूल खोल लिया है, अब तो और नाचना पड़ेगा। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं हूँ किसी का भी गाना। बजूमो और नाचो और बंद करो आगे नहीं। दारा सिंह जी पैरी पिन्ने, आप कॉमेडी सर्कस में पहली बार आए हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके लिए फूल लेके आया हूं, ये देखो। सॉरी सर जल्दी जल्दी मैं फूल लाना भूल गया, लेकिन मैं आपका इतना फैन हूं ना
खड़े खड़े यहाँ पे फूल उगा सकता हूँ मैं। ओम जीम क्लीम दारा सिंह दी जय। ये लो, मेरा भी दिमाग खराब है, पहलवान आदमी को लाल फूल दे रहा हूँ, सॉरी सर, लेकिन मैं आपके लिए इधर खड़े खड़े लाल फूल का रंग बदल सकता हूँ। ये देखिए, ये तो वही है ना बिंदु जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया बिग बॉस में। सर जी मैं बड़ा फैन हूँ आपका, मतलब आपका तो जीतना बनता था क्योंकि आपके तो नाम के आगे विन लगा हुआ है। मैं आपका इतना फैन हूँ ना, मुझे पता है आप पहलवान आदमी हो, खाने पीने के बड़े शौकीन हो। आपको पता है मैं ये बैग भर के आपके लिए फ्रूट का लेके आया था, लेकिन ये बैग मेरा इतना मनहूस है ना, ये वाला बैग, इसमें जितना मर्जी कुछ डाल दो पता नहीं खुद ही खाक हो जाता है। पता नहीं अब इतना फ्रूट मैं लेके आया था ना आपके लिए, ये देखो सारा बैग खाली, ये एक सेब है ना, ये एक केला, ये तो कुछ भी नहीं। सर मैं आपके लिए 12 दर्जन केले और 3 किलो सेब लेके आया था, लेकिन ये बैग है ही ऐसा, कुछ भी डाल दो खा ही जाता है, ये देख लो। वैसे बिंदु जी एक बात बताएं मुझे, ये जो एक शो में आप डांस शो में जज बने थे ना, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपको जज ले लिया तो सरोज खान को क्यों लिया था। बे उल्टी बात करता है बेवकूफ। तू बेवकूफ है पागल, जो सामने बैठा देख रहा है उसको मक्खन लगाया कि उसको जो घर पे बैठी देख रही है। ये बकवास बंद करो, पता कौन है बे तू? कौन है? मेरे को नहीं जानती। दारा जी पहचाना मुझे? मैं गोपी चंद ज्ञान चंद हलवाई का बेटा, आपको याद है? देखा हमारी दुकान में से लस्सी पी पी के पहलवान बने। इन्होंने लस्सी पी, तूने क्यों नहीं पी? सारी लस्सी वो पी गए, मैं कहां से पीता? ये जब भी अमृतसर आते थे भैंसे हड़ताल कर देती थी, कहती दारा सिंह आए हमने दूध नहीं देना, हम 1.5 लीटर देती 2 किलो पी जाते हैं, तो भैंस को ऐसे उठा सारा दूध पी जाते थे। क्यों आया यहाँ पे ये बता। मैंने सुना है यहाँ पे कोई डांस सिखाता है। हाँ जी मैं सिखाती हूँ डांस। आप सिखाते हो डांस? क्या बात है, फिर सही मिला हूँ आपसे, ऐसा डांस सीखूंगा आपसे आपकी लाइफ बना के रख दूंगा मैं। डांस सीखेगा तू, लाइफ बनेगी मेरी? मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेहनत मैं करता मर जाता हूँ, पार्टनर मेरी स्टार बन जाती है। डांस वांस के बारे में मालूम है कि नहीं? डांस वांस के बारे में, अरे जा डांस तो मेरी रग रग में भरा पड़ा, ये देख तुम्हें पता है मेरे पिताजी बहुत बड़े डांसर थे। अच्छा कौन से वाले? तेरे थप्पड़ मारना खींच के, कौन से वाले? अरे मेरे बाप की क्या ब्रांचे खोल के रखी है, गरीब आदमी मुश्किल से एक बाप अफोर्ड कर पाता है, क्यों जी? ये बेवकूफ, मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा वाला डांस सीखते थे, कौन सा वाला डांस? अच्छा कौन सा वाला डांस? वो करते थे गणपति पे। पता कैसे? आए वाला डांस करते थे, आए ये वाला डांस करते थे। मेरे पिताजी इतना डांस करते थे गणपति पे, एक बार तो गणपति जी ने उठ के कह दिया इसको ज्यादा जल्दी पहले इसका विसर्जन करो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, तू मेरे बाप का विसर्जन करा के छोड़ेगी? ये ले कर दिया विसर्जन बाप का, चल ये ले। हाँ अब बता। ओफो, अच्छा ये सब बात छोड़ो, डांस की बातें करते हैं। साली अभी अभी बाप का विसर्जन किया, तुझे डांस की बड़ी मारूंगा थप्पड़ तेरे, पहले निकलने तो दे थोड़ा सा, चलो चलो चलो। चलो 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 फट्टा आ गया। यहाँ पे कैसे खड्डा आ गया? खड्डा गया, समंदर के किनारे खड़ा हूँ, रेत गीली है, पैर घुस गया, आ गया खड्डा। और वैसे भी खड्डे का क्या है, क्यों शेखर जी? आदमी के दिल में मैल होनी चाहिए, खड्डा तो किधर भी बन जाता है। कौन कौन सा डांस सिखा लेती हो? जी मुझे सारे टाइप के डांस आते हैं, बैले, सालसा, सांबा, रुम्बा, सब आते हैं। बोलो कौन से? सांबा रुम्बा, मेरी बात सुनो। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे कोई वेज डांस सिखाओ बिना प्याज के। वेज डांस, ये डांस के नाम ही तो है। डांस के नाम है? हाँ। चलो 2 महीने लुधियाने के चला गया, कैसे कैसे डांस पैदा हो गए हैं। इससे तुम्हारे लुधियाना जाने का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मैडम, आपको पता है मैं 2.5 साल के लिए बठिंडा का चलाया, घर आया तो मेरे 2 बेटे पैदा हो गए।
इसमें भी तुम्हारा भटिंडा जाने का कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ कनेक्शन जरूर है। चलो मैडम छोड़ो, क्या लेने देना, बच्चे दोनों खूबसूरत हैं और एक बाप को और क्या चाहिए। डांस की बात करो आप, कितनी फीस लेती हो? जी 3,000 रुपया महीना एक स्टाइल का। 3,000 रुपया? मैडम आप पता क्या टेंशन है, आप पैसे की चिंता मत करो, 3,000 रुपया ना। हाँ 3,000 तो है नहीं मेरे पास। आप मेरे को डांडिया सिखा दो, मेरी इतनी प्रॉब्लम, मेरे को डांडिया ढंग से आता नहीं शेखर जी। कल मैं डांडिया में नाच रहा था अपनी बीवी के साथ और डंडा मेरी बगल में से यूं निकल के मेरी बीवी की नाक में घुस गया। मेरा तलाक होते होते बच्चा पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मेरी बीवी मेरे पे भड़क गई, बोलती मेरी नाक में डंडा दे दिया। मैंने कहा बात सुन, 16 साल से नाक में नथनी पहन के घूम रही, पति के लिए 2 दिन डंडा नहीं डाल सकती? एक्चुअली उसे मेरे पे कम गुस्सा था, वो साला गुप्ता नहीं मेरा पड़ोसी, उस पे ज्यादा गुस्सा है। अब मेरी बीवी की नाक में डंडा घुसा हुआ, उसी पे मार मार के डांडिया खेल रहा है। इतना डांडिया खेला है, उसका ये बायां वाला छेद इतना खुला हो गया ना, उसमें आप नैनो कार खड़ी कर सकते हो। मतलब नैनो कार तो खड़ी कर ही सकते हो, साथ में थोड़ा सा टेंडा करके हीरो अंडा भी लग जाता है, ऐसा हुआ था। आपको पता जब मेरी कमर जो थी ना 2.5 इंच, तो मैंने अपनी नाभी के आले दुआले ना जेनिफर लोपेज का टैटू बनवाया था। और बाद में मैंने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, मेरा पेट बड़ा हो गया, जेनिफर लोपेज खिंच के जाके गुड्डी मरुती जैसी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई डांस सिखाओ, मेरी फैट कम हो, जेनिफर लोपेज दोबारा जेनिफर लोपेज बने। तुम्हारे लिए परफेक्ट परफेक्ट बेली डांसिंग क्यों नहीं सीखते तुम? बेली डांस? हाँ ये ठीक है, चलो सीधे खड़े हो जाओ, सीधे ओके, सांस अंदर खींचो, एक ठुमका मारो और सांस छोड़ो। सांस नहीं छोड़नी, मैंने तेरे कान पे छोड़ना है एक। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, दोनों स्टेप बाबा रामदेव के। कपाल बाती में हर बार बोलते हैं सांस अंदर लो सांस बहार छोड़ो, बीच में अपना एक छोटा सा ठुमका घुसा दिया 3,000 रुपए, थप्पड़ मारूंगा तेरे में खींच के, निकल जाए ऐसे 3,000 रुपया। शेखर जी मैं तो कह रही हूँ छोड़ो जजगिरी, चलो कहीं भाग चलते हैं। कब तक छुपाते फिरेंगे अब अपने प्यार को इस दुनिया से? ओह माय गॉड, आपको लगा मैंने बोला? अनीता कह रही थी कल, कह रही थी एंकरिंग वैंकरिंग तो हो नहीं रही है, तो किसी फेमस बंदे को ही पकड़ लो। आवारा हूँ आपका झोंका, आज निकला हूँ बंदू पल के लिए। हाय शेखर। हाय। कैसे हो, ठीक तो ना? बताओ कौन पूछ रहे जो खुद ही ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं हुआ, सिम में नेटवर्क नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी ना मोबाइल में प्रॉब्लम है। ठंडी हवा के झोंके। आया क्यों है यहाँ पे पहले ये बता। डांस सीखने आया हूँ, मेरे को किसी ने बताया तो डांस सिखाते हैं। जी मैं सिखाती हूँ डांस। वाओ, आप डांस तो मेरे को सिखा दो, लेकिन ना जल्दबाजी में मेरे साथ कोई गलत स्टेप मत उठा लेना। ओके तेरे को ना कान के नीचे दूंगी मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे को मैं। अच्छा जानती हूँ तो एक हाथ से मिलवाओ ना फिर। तो मेरे को ये बताओ पैसे कितने लेती हो डांस के? 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपया लड़की को दूं? ओके सिखाओ। अभी हम इस गाने पे डांस करेंगे। कौन सा वाला? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक्सक्यूज मी, ये गाने पे डांस मत सिखाओ, इसका पता करो मैं हूँ क्यों ऐसा। अच्छा तू ये सब छोड़, तू लावनी सीख ले। क्या है इसको सिखाओ क्या है? अच्छा देखो, ये लेफ्ट वाला हाथ इधर रखो और ये राइट वाला हाथ सीधा नीचे। सीधा नहीं पता मेरे को, रखूंगी लेकिन। अच्छा पैर जोड़ो। पैर तो हमेशा जुड़े रहते हैं। और फिर इस तरह वैसे ऐसे करो। एक सेकंड बंद कर इसको। ये क्या है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, जब भगवान ने दोनों हाथ साथ में बनाए साथ में क्यों नहीं रखती उनको? सारी गर्मी निकाल दूंगी सॉफ्टी की बच्ची। ए! तेरे से मेरे को सीखना नहीं डांस, बड़ी आई छिछोरी कहीं की चोरी करके डांस कर, चली जा यहाँ से। जा जा, तेरे जैसे को सिखाना भी नहीं। अरे किधर जा रहा है, एंड तो करना है, ब्रिटानिया 50-50 आ जा। मेरे को पता था एंड के लिए तू मुझे बुलाएगी।
साली सब कुछ पता था मेरे को एंट्री के लिए, तू बुलाएगी तेरे से एंट्री हो पाएगा। और बात सुन, कोई माँ के पेट से 50-50 बनकर नहीं आता है, दोनों जजों को खुश करने के लिए आया था मैं, एक को लड़का पसंद है एक को लड़की पसंद है, दोनों को खुश करने के लिए बीच वाला बन के आया मैं। और मेरी बात सुन ले, अब मेरे को पता तू एंट्री कर पाएगी अकेली, और मुझे पता था तू मुझे बुलाएगी, ऐसा एंड करके जाऊंगा किसी के बाप ने नहीं किया होगा। ये लो कर दिया एंड मैंने। के मेरी आंखों में तो पानी आ गया। अर्चना जी, कैसा लगा आपको इनका कॉमिकल मैजिकल एक्ट? ओह माय गॉड, कपिल तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या छुपा हुआ है तुम में। बट सब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मुक्ति, यू आर वंडरफुल इन दैट बिगनिंग वाला ब्लू वाला डांस विद द बॉल। ओह माय गॉड, वेरी गुड मैम, थैंक यू। विंदु जी, क्या आप डांस सीखना चाहेंगे? भाई 3,000 रुपये तो बहुत अफोर्डेबल है। लगता है मुझे ये क्लासेस आने पड़ेंगे, लेकिन इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मुझे इतनी हंसी आ रही है, आंसू आ गए। दारा सिंह जी, बहुत हंसी आई और मजा आया, हंसी से ही ताकत बनती है। भाई बहुत अच्छे। शेखर जी, अच्छे एक्टर्स को अच्छे डांसर्स होते हुए देखा था, लेकिन एक अच्छे डांसर को इतना अच्छा एक्टर होते हुए पहली दफा देख रहा हूँ, विच इज़ अ ह्यूज सरप्राइज। थैंक यू, थैंक यू। कपिल, जो कहा जाए, जिन लोगों के बारे में कहा जाए वो कितने भी टैलेंटेड हैं अत्यधिक, बट द फैक्ट रिमेन्स यू आर द सुप्रीमो। यू बहुत अच्छा एक्टर आपने किया, बहुत काबिले तारीफ था। चलिए डांसिंग स्कोर्स की बारी। अर्चना जी, आपको मिलते हैं फुल 10 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। शेखर जी, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स अगेन। कहते हैं जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन कविता कौशिक लौट आई हैं कॉमेडी सर्कस में। कपिल ने उसकी कॉमेडी की कदर नहीं की, इसलिए कविता अब दूसरों को कॉमेडी सिखा रही हैं। प्लीज वेलकम काम्या एज कविता कौशिक एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। जे आपने डंडे के बजाय छाता उठा लियो, कोई बात नहीं, इसे अभी ठिकाने लगा दूं। तो सब ठीक? ओ अर्चना, शेखर, अभी तक चल रहा है थारा ये शो? अरे चलेगा क्यों नहीं, मैं जो ना हूं। अरे कहाँ है वो कपिल जो अपने आप को कॉमेडियन कॉमेडियन कहे हुए है? मैंने नहीं पहचाना। अरे मारा नाम है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी गोटाला। और अब शेखर तू तो जाने है मैं घड़ी अच्छी कॉमेडी करूँ, तो बस थारे लिए, थारी खुशी के लिए अब यहाँ सबको कॉमेडी मैं सिखाऊँ। अरे ठुमका तो घना अच्छा लगा वे तू, अरे और जादू भी करे। ये बता यहाँ के करने आई है? हाँ हाँ, मुझे कॉमेडी सीखनी है। अच्छा मैं सिखाऊँ कॉमेडी? ओए जैसी तेरी शक्ल है ना, अर्चना का हंसता हुआ बच्चा रो पड़े। अरे जय बता तारा नाम के? हाय हाय, मेरा नाम है कुत्ती। सॉरी बिंदी लगाना भूल गई, कुंती उर्फ शर्मीली। शर्मीली कहाँ से? और अर्चना जी ऐसी शर्मीली लड़कियाँ होती है, बिकनी पहन के भी घूंघट डाल के स्विमिंग कर रही होती है। हाय हाय हाय, तू जानती नहीं है मैं तो इतनी शर्मीली हूँ, इतनी शर्मीली हूँ एक बार शर्मा के किसी की दुकान में घुस जाऊँ ना, एक हफ्ते के बाद वही दुकानदार दुकान के बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, ए, मेरी दुकान थी, ए, मेरी दुकान थी। देख कॉमेडी के लिए बातों का टैलेंट होना जरूरी है। हाय हाय हाय, बातों का टैलेंट मुझसे ज्यादा किसमें होगा, मैं तो बातों बातों में सामने वाले को बाप बना देती हूँ। तू जानती नहीं है एक बार तो बंदा सिर्फ मुझसे पता पूछने आया था, ऐसा पता बताया मैंने, अब जब भी उसका मूड बनता ना पता पूछने आ जाता है। ऐसी बातें ना कर, ये फैमिली शो है। हाय हाय, ऐसी बातों से तो फैमिली बनती है क्यों शेखर?
शेखर जी से गलत बात ना कर, वो बड़ी अच्छी बातें करे हैं। हाँ, अच्छी भी करे और लंबी भी करे हैं। मेरी बार में एक बार आए थे, आए हाय हाय, एक ही गाने पे डांस कर सकी, उसके बाद नहीं हुआ मुझसे। अरे जय, क्यों क्यों, सुबह तक कमेंट सुनने पड़े इनके। हाय हाय हाय, जितने पैसे लोगों ने हम पे लुटाए थे हमने इसके कमेंट पे लुटा दिए। इतना नाचे हैं कभी बार नहीं बंद हुए। इसने एक दिन आके कमेंट किया, पाटिल साहब ने अगले दिन बार बंद करा दिए। जय, उन्होंने बार बंद कराए, तू ऐसे पंच मार के ये शो बंद कराएगी क्या? चल खिसक ले। अरे निकल। ओए होए होए, ज्यादा बदतमीजी ना कर, मैं ठुमका मार के बंदा मार देती हूँ, बता दूं तुझे मैं। हाँ। ठुमका मार के बंदा मार देती हूँ। जय, माफ करना शेखर जी, और जब से कपिल इस शो में आया है लोग बेइज्जती को ही कॉमेडी समझने लगे हैं। अब बात यह है कि वो अपने पार्टनर की बेइज्जती करे और बाकी सब सबकी बेइज्जती करे। जय, मैं आपको समझाऊं, ये है हमारे कॉमेडी सर्कस की जोड़ी। एक, बिल्कुल एक। और अब मैं आपको बताऊं कपिल और उसकी पार्टनर। अलग अलग। अब क्या है, माफ करना, पहली बार स्टैंड अप करूँ हूँ, कुछ गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ना ना, पैंट ऊपर नहीं कर रही हूँ, वो दादाजी बैठे हैं, वो जूते ठीक कर रही हूँ। चढ़ती जवानी मेरी काल मस्तान, तुम्हें कदर ना जानी, रामा हाय रामा। ओ, ये बात है बुढ़िया, योगा की उम्र में योग आ रही है। हाय, इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, अभी भी जींस पहन लूँ ना तो अर्चना फेल है मेरे सामने। अर्चना की और मेरी उम्र में फर्क ही कितना है। हाय हाय, मुंह क्यों बना रही है, मुझे पता है मेरी पोती की उम्र की है तू। पर वो बात अलग है कि मेरी पोती 60 साल की हो गई है। और उनके बारे में ऐसा ना बोल, वो हमारी शो की जज है। हाय, मुझे पता है, मैं जानती हूँ ऐसे जजेस को, बोन वीटा पी के बैठते हैं। अरे ना ना, ऐसी ना है वो। हाय हाय, नहीं मैं शेखर की बात कर रहा हूँ। हाय, ये तो चर्च पी के बैठी है। खबरदार, जो गांजा पीने वाली शरीफ औरत को चर्च की लत लगाई थी। हाय हाय हाय, इतना बता कितने टाइम में मुझे कॉमेडी सिखा देगी तू। अरे जे, तू ये बता कि तारे पास कितना टाइम बचा है बुढ़िया। मारे टाइम की तो घड़ियां बंद हो गई बेटा। यार कॉमेडी तो मैं सिखा दूं, लेकिन शुरू कहां से करूं? देखा, इतनी उम्र हो गई है, सिखानी मुझे ही पड़ेगी। बेटा, कॉमेडी के लिए सबसे पहले कवाली आनी चाहिए। क्योंकि कवाली हो तो रौनक लगी रहती है। चल पीछे बैठ के जरा ताली बजा। हाँ, क्या क्या, किसको क्या पकड़ रही है? हारमोनियम पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, इस उम्र में और क्या पकड़ सकती हूँ। चलो, मुझसे सुन लो कॉमेडी प्यारी, मेरे शेखर अपना प्यारी, बुढ़िया तुमको बताए कॉमेडी का पाठ सारा। हाय, दुनिया तुझको बताए कॉमेडी का पाठ सारा। एक मिनट, चलती कवाली में से हाथ बाहर नहीं निकालना, वरना सामने वाला हाथ खींच के अंदर ले जाता है। शेखर की जैसे तैसे तारीफ करो कि शेखर तू बड़ा शरीफ है, कभी टांगे नहीं देखता, तू इतना अच्छा है, उम्र जितनी मर्जी हो जाए रहता हमेशा बच्चा है। इसमें पंच का है, यहाँ तो उस पे पंच मार ले या उससे नंबर ले ले बेटा, एक ही काम होगा। अब अर्चना की तारीफ करनी है? नहीं 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 बेटा, अर्चना सिर्फ तारीफ से नहीं मानती है, इसकी तो मसाज भी करनी पड़ती है, और शो में बने रहने के लिए जो इसने कार ली है उसकी किस्त भी भरनी पड़ती है। एक्ट में जितना हो सके इसे मर्द मर्द कहना पड़ता है। अब तुझे भी तो पैसे मिले, इसीलिए तो सहना पड़ता है। ये इसके बारे में भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। ये सुरेंद्र, इसके बिना तो एक्ट पूरा नहीं होता। इसको देख लो, तबला बजाते हुए ऐसे लगता है जैसे सो गया है, लेकिन बजवाना इसी से पड़ता है क्योंकि इसका जबरदस्त बड़ा मशहूर हो गया है। और मशहूर से याद आया, अनीता की टांगे, क्योंकि कॉमेडी में लाफ्टर हो ना हो टांगे आना मजबूरी है। और तू भी सुन ले,
जिस दिन तेरा एक्ट होता है उससे एक दिन पहले वैक्सीन कराना जरूरी है। मुझसे सुन लो कॉमेडी न्यारी मेरे शेखर अर्चना प्या। और जो हमारे गेस्ट आते हैं गेस्ट जजेस उनके बारे में तो कुछ बोल। अरे ये गेस्ट नहीं है, मेरा तो जवानी का प्यार वापिस आया मुड़ मुड़ के। शेखर बेटा, बिंदु बेटा, जरा आंखें बंद कर लो बेटा। इनके लिए तो मैं यही कहूंगी, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। पर इस उम्र में चुम्मा तो लिया नहीं जाता, तो पड़ोस में कह के नंबर ही अच्छे दिला दो। दासू परफॉर्मेंस। यो अर्चना जी, कैसे लगी इनके क्लासेस? ओह माय गॉड, ग्रेट फन। इस एक्ट में बहुत मज़ा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब राजीव आपने वो कव्वाली गाई, और आपने हमको तो बख्शते ही नहीं है लेकिन आज दारा जी को भी लपेट लिया। हाँ, अपनी कॉमेडी में। विंदु जी, राजीव तू मेरी मम्मी से दूर रहना इन दिस वे, क्योंकि डैड को जो तूने किस दिया उनने देख लिया। मैंने रूप ही बदल लेना जी बाद में। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, इतना मजा आया। यानी ये ऐसे घर पे बैठ के तो रोज हंसता था, यहाँ बैठ के लोग ऐसा ना देखेंगे, बिंदु बहुत जोर जोर से हंस रहा है। सुपर फन बोथ ऑफ यू ऑल, फैंटास्टिक। थैंक यू दारा सिंह जी। बाकी तो सब ठीक है, जो आपने किस वाली बात की, हम दोनों की एक उम्र है तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब कहने की बात है, लिया हमसे भी नहीं जाता, लिया आपसे भी नहीं जाता कि सब। शेखर जी, राजीव तू बड़ा शैतान होता जा रहा है। हाँ, इस उम्र में भी तुमने सब कुछ दिखा दिया, टैलेंट टैलेंट के जरिए सब कुछ दिखाया, फैंटास्टिक। दारा जी, हमने मतलब जब अमृतसर से हम चंडीगढ़ भी जाते थे तो आपका स्टूडियो देखते, तो हमें तमन्ना होती थी कभी हम इनको आमने सामने देख पाएंगे। आज मतलब शब्द तो हमारे पास है ही नहीं है कि कितनी खुशी हुई है। लेकिन सर, अगर आप वो डायलॉग एक सुना दे, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि ये आपके मुंह से अच्छा लगता है, हम जितनी मर्जी बार बोल लें साला हमें दर्द हो ही जाता है। आप यहाँ एक्टिंग करवाएंगे मुझसे? आप वैसे भी बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, मर्द को दर्द नहीं होता। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, हियर इट इज। थारी जोड़ी को मिलते हैं 9 पॉइंट। शेखर जी, ये तेरे लिए। ही आपके परफॉर्मेंस को मिलते हैं 9 पॉइंट। अब आ रही है दुनिया की सबसे सुपरहिट गुरु चेला की जोड़ी, लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ इतना है कि इनमें कौन है गुरु कौन चेला ये पता ही नहीं लगता। प्लीज वेलकम मनीष पॉल एज अकबर विद राजीव निगम एज बीरबल। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। सिंह जी जय श्री राम, विंदु जी जय श्री राम। यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो चिरकुट बीरबल है, ये अपने आप को मेरा गुरु और मुझे अपना चेला बता रहा है। मैं आपको बताऊं, इसने मेरी रगों का खून सुखा दिया है। आपको यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। खून नहीं निकलता। वाओ! और मैं आपको और बातें यहां बता दूं, मेरी एक बेगम थी, बड़ी ही सुंदर, सुशील, बिल्कुल ऐसी दिखती थी। शेखर जी को मिली, शेखर जी ने उसे एक सजेशन दिया और उसके बाद क्या हुआ आपको खुद ही बता दूं, वो बादशाह बन गई।
आज मैं इस चिरकुट बीरबल को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसकी नाक में दम करूंगा। बीरबल कहाँ है, आजा मैं तेरे को देखता हूँ। बीरबल इधर आ, क्यों चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के? बीरबल तुम्हारी गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं। हमारी गुस्ताखियों की बड़ी बात करता है और अपनी गुस्ताखियां? ये रोज कमरा बंद करके अंदर अनारकली को नचवाता है अकेले में। मैंने एक दिन बोला एक दिन अनारकली के डांस हमें भी दिखा दो, तो बोलता है रुक जाओ अभी मुक्ति आएगी नाचेगी तो देख लेना। अरे भाई सही ही तो कहा है, उसके डांस में क्या प्रॉब्लम है, कितना अच्छा करती है वक्का वक्का, अच्छा खासा आदमी हो जाए हक्का वक्का। अबे चुप कर बीरबल। यार रोज रात में मुझसे पूछते बीरबल यार ये मुन्नी कौन है, हम पहचानते भी नहीं फिर बदनाम कैसे हो गए। बीरबल यार एक बात बताओ, इतनी लोगों के आगे हमारी क्यों उतार रहे हो? अच्छा ये बताओ पहनी है आज? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता, अबे तुम्हारी वाली तो बाहर सलीम पहन के घूम रहा है। भाई हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ये बताओ जो बिहार में अभी इलेक्शन होने हैं उसमें कौन जीतेगा? ये बुड्ढा बैठा यहाँ पर और टेंशन बिहार का ले रहा है। एक बात बता दूं मैं, जीतेगा कौन ये तो पता नहीं, लेकिन हारेगी फिर से एक बार जनता। अबे साले को कुछ भी बना ला, सतार मारना मत भूलियो है पागल। हमें बिग बॉस में भेज दो, हम वहाँ से करोड़ों रुपए बना के आएंगे। अबे चुप कर फालतू बात मत कर, बिंदु साहब की बात अलग थी, जीत लाए वो छिछोर पंती का शो है समझे, वहाँ पे सवाल जवाब की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। तुम तो वैसे ही जीत सकते हो वहाँ पे जा करके। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम बड़े कंट्रोवर्सियल आदमी हो। आज तक ये पता नहीं चला है कि अनारकली इसकी आइटम है कि इसके लौंडे की आइटम। अच्छा एक बात और पूछेंगे कि जिसके दिमाग नहीं होता वो कुछ नहीं होता? अबे होता तो वो पागल है, लेकिन इस देश की जनता उसे एमएलए और एमपी कहती है। एक काम करो बीरबल, गुरु तुम ही बन जाओ, गुरु बन के कौन सा घंटा उखाड़ लोगे? क्योंकि हमारे देश में चलती तो एमपी और एमएलए की है, हम तो एमएलए ही बनेंगे। हाँ चलिए हमारे शो के जहां पना को पूछते हैं परफॉर्मेंस कैसी लगी। अर्चना जी, आई फेल्ट सटायर वॉज गुड बट इट वॉज एन एक्ट जो जिससे गुदगुदी हुई लेकिन ज्यादा हंसी नहीं आई, बट इट वॉज अ गुड एक्ट। विंदु जी, मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि टीवी पे देखना एक अलग है और जब लाइव ऐसे देखो इन लोगों को तो बहुत डबल मजा आ रहा है, यानी ये तो दोनों का जॉब सबसे बेस्ट जॉब है दुनिया में। दारा सिंह जी, अकबर और बीरबल का जो इन्होंने रोल किया है आप सब जानते होंगे कि ऐसा तो नहीं होता होगा। बहुत अच्छा हसाल सबको। शेखर जी, आप लोग जब अपना ही कुछ एक मापदंड बना देते हैं, एक बेंचमार्क बना देते हैं, तो वहाँ तक जब नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्ट अच्छा नहीं हुआ। दरअसल हुआ बहुत अच्छा, उतना अच्छा नहीं हुआ जितना आप लोग करते आए। बहुत अच्छा। चलिए अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, मर्दानी परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलते हैं 8 points। शेखर जी, जय श्री राम, 9 points। अब बारी है उस जोड़ी की जिसमें पिछले 3 साल से आपस में जंग चल रही है। कृष्णा का दावा है कि वो गुरु है, सुदेश का मानना है कि वो गुरु है। चलिए देखते हैं आज कौन गुरु बनता है कौन चेला। प्लीज वेलकम हम सबकी लाडली जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। डॉक्टर हूँ पागल हूँ मैं, 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 पागल हूँ। ताली भी आओ। हेलो अर्चना जी। अर्चना जी मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं पहचाना। यार कमाल है, पिछले महीने तो मैंने आपकी 3-4 डिलीवरी कराई थी पिज्जा की।
नहीं नहीं पता बात क्या है, डॉक्टर मैं इस महीने बनाऊं, पिछले महीने में पिज्जा बॉय था। शेखर जी आप सोच रहे होंगे कि लैरी डॉक्टर कैसे बन गया, सोचो 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 सोचो, हम भी तो सोचते कि आप जज कैसे बन गए। वो तो मुझे सुरिंदर ने बताया कि आपके बीच में टैलेंट है। ओए कौन है ये, कैसे लाया इसको? चिमटे से लाया हूँ साहब। और आपने पहचाना नहीं इसको? नहीं, ये है कौन? अरे क्या बात करते हो साहब, ये अपना ग्रेट खली। वो ये ग्रेट खली है? हाँ वो साहब बिग बॉस में गया ना, उधर खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है। तो सलमान भाई ने भेजा, बोला मैं दबंग या अपंग ऐसा नहीं चलेगा, इसको कुछ हॉस्पिटल में भर्ती करूँ। इधर आओ खली साहब, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। डॉक्टर साहब बोले वो कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए फिर बिग बॉस में, अपना क्या जाइए। और तुम कहाँ गए थे यार? मैं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, सब सामग्री लेने गया था। ये लीजिए चार कफन। वो तेरा दिमाग खराब है, और मैंने सिर्फ तीन ऑपरेशन करने हैं कल, तू चार कफन क्यों लेके आया? अरे फिर जिसको बिल दोगे बाद में वो भी तो मर जाएगा ना। ये क्या कर रहे हो? ग्लूकोज सर, वनीला चॉकलेट टैंग लीची फ्लेवर। यार क्यों इतने पैसे वेस्ट करते हो, अगर ये नहीं किसी को चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो क्या करोगे इसका? अरे क्या करेंगे, इसको कैंटीन में दे देते हैं फिर हम। फिर क्या, वहां पर सब डॉक्टर आते ना तो 50-50 रुपए का मिल्क शेक पिलाते उनको। और मैं थप्पड़ मार रहा तेरा, और तू मेरा हॉस्पिटल बंद करवा के रहेगा? अरे क्या बंद करवा के रहूंगा, कितना काम करता हूँ मैं। अभी वो 32 नंबर वाली वो प्रोमिला आंटी, आप उनके रूम में गए थे क्या? नहीं मैं नहीं गया। फिर उनके मुंह से बास कहे को आ रही थी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतनी बास आ रही थी कि फिर मैंने उनको हारपिक डाल के फिनाइल डाल के सब साफ कर दिया। अच्छा वेरी गुड, अब गला साफ हो गया उनका? गला क्या, प्रोमिला आंटी खुद ही साफ हो गई। तो यार तू क्यों मेरा बेड़ा गर्क करेगा मेरे हॉस्पिटल का? साहब वो तनख्वाह का क्या होगा? तनख्वाह का क्या होगा, इस महीने मुझे तनख्वाह चाहिए, मुझे दो। देखो पिछले महीने का रख लो, बाकी इस महीने का हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे। ठीक है सर, ओके टेक केयर, थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, मालिक है जो मर्जी कर सकता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ पर मुझे लगता है मेरी शादी हॉस्पिटल में होगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं मर गई डॉक्टर बाबू, देर न करना जल्दी लगा दो सुई। शर्म नहीं आती तुम्हें? डॉक्टर साहब जब मैं हूं तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है? नहीं बात तो ठीक है, शादी करने की क्या जरूरत है, क्या करूं, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। खैर ये बताओ कि तेरी शादी को छोड़ यार, मेरी शादी के लिए हॉल बुक किया कि नहीं? मैं ना हॉल बुक करने के लिए गई थी। अच्छा। मैंने हॉल बोलना भूल गई तो उन्होंने मुझे बुक कर लिया। नहीं लेकिन मैं उनको बोली थी कि मुझे शादी के लिए दो, शादी के लिए दो, तो बोलते कि यू नो सिटी में बहुत 50,000 शादी हो रही है तो हॉल नहीं मिलेगा। 50,000 लोग शादी कर रहे हैं? शेखर जी देख लो, सेलिब्रिटी बनने का कितना पंगा है, हर बंदा कॉपी करता है। अब मैं शादी कर रहा हूँ तो 50,000 लोगों ने शादी करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं शादी करूंगा, चाहे मुझे हॉस्पिटल में क्यों ना करनी पड़े। अस्पताल में शादी कैसे करेंगे? ओ यार मैं थप्पड़ मारना तेरे नर्स। तू समझती क्यों नहीं, जब हॉस्पिटल में बच्चे हो सकते हैं। हाँ तो कर लेते हैं ना। नहीं मेरा मतलब है शादी के अरेंजमेंट्स कर लेते हैं ना। हाँ लेकिन कैसे करेंगे? अरे सुनो मेरी बात, जो गाँव से आएंगे उनको जनरल वार्ड में ठहराएंगे, जो शहर से आएंगे उनको स्पेशल वार्ड में ठहराएंगे। व्हाट अबाउट दीस टू, अर्चना और शेखर को कहाँ रुकाएंगे? अरे यार इनको आईसीयू में ठहराएंगे और कहाँ। पंडित कहाँ से लाओगे? देखो एक दिन की बात है, शादी के लिए तो मैं भी राजी हो जाऊंगी, बट व्हाट अबाउट द पंडित? यार पंडित 13 नंबर वार्ड में पंडित है ना, वो कराएगा ना मेरी शादी। वो 13 नंबर वार्ड वाला? हाँ,
उसे तो मैंने कल ही डिस्चार्ज करवाया है। तेरा दिमाग रहा भेजिए उसको। हाँ। उसको फोन करो कि तेरे दिल में भी छेद है, दोबारा भर्ती करो उसको। ओके। हाँ। तो फुल पैकेज रेडी हो। लेकिन डॉक्टर मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम मरीजों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? हम ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। अरे वो मिसेस शर्मा, उस बिचारी के घुटने में दर्द था, उसे कल ही हार्ट अटैक आया है। उस बिचारी का क्या होगा? और वो अपना बुल्लू, उस बिचारे को पोलियो है, उसके दोनों हाथ काम नहीं करते। खुल्लड़ सा खुल्लड़ खुल्लड़ जो भी है खुल कर कहो। हम मरीजों की जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। हम शादी नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, सीधा सुहागरात मनाएंगे। आई हेलो हेलो आई मर गया। उई उई मैं मर गया। उई नर्स डार्लिंग देर न कर तू जल्दी लगा दे। शेखर जी कैसी लगी हमारी लाडली जोड़ी की परफॉर्मेंस? आप दोनों जो हैं वो गुरु लोग हैं और हमेशा गुरु ही रहेंगे, आप में से कोई चेला नहीं बनने वाला। सो वंस अगेन फैंटास्टिक है। अर्चना जी यू नो बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब इन दोनों की शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो इन दोनों में ये वन अप मैनशिप रियली थी कि सुदेश होता था मैं हूँ यार, मैं तो बहुत सालों से कॉमेडी कर रहा हूँ, कृष्णा वॉज दिस न्यू यू नो अस्पायरिंग टैलेंट एंड रियली सुपरस्टार मटेरियल। आप दोनों ने अपने सारे डिफरेंसेज और सारी वन अप मैनशिप को इक्वल कर दिया है। यू आर फैंटास्टिक। बिंदु जी आप दोनों को टीवी पे तो मैं देखता रहता हूँ, रियल लाइफ में देख के भी बहुत मजा आया, आप सबको देख के बहुत मजा आया। मैं ढूंढ रहा था कोई टेलीप्रॉम्प्टर है या नहीं, मैं सोचता था जब भी ये प्रोग्राम देखता था कि ये लोग कैसे याद रखते हैं सब कुछ, लेकिन एक्चुअली आप लोग एक ही साथ परफॉर्म करते हैं, माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ, देयर इज नो चीटिंग, इट्स ग्रेट। दारा सिंह जी वैसे मैंने पहले कहा था कि जो मेरा मजाक करेगा उसको मैं देख लूंगा। लेकिन बहुत ही मजा आया जो आपने किया। थैंक यू। अर्चना जी इंसान एक बार वीआईपी से उसकी असली आवाज निकलवा सकता है, कृष्णा से सुदेश की इज्जत करवा सकता है, शायद मेरे टांगों से भी एक्टिंग करवा सकता है, लेकिन एक रोबोट में फीलिंग्स डलवाना ये तो इम्पॉसिबल काम है। और इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना रही है एक बार गर्ल। प्लीज वेलकम वीआईपी एज रोबोट एंड आरती एज बार गर्ल। इनके जल में पहचान नहीं पाए क्या? साहब ये अर्चना साहब है ना, ये ना जब भी मेरे बार पे आती है ना तो इतना पैसा उड़ाती है, इतना पैसा उड़ाती है कि मतलब कभी कभी तो इतना मूड में आती है कि खुद का पैसा उड़ा देती है। माता माता को मंदिलो डंटावा, माता माता को मंदिलो डंटा, मंदिलो डंटावा अंजिते संगिते नांजरम्मो नांजरम्मो नारमुत गुमा गोविंदम्मो नारमुत गुमा। ஏய் என்ன சொல்றீங்க? அப்படி கிரிக்கா என்ன எடுக்க வரக்கலா இருக்குது சொல்றீங்க அப்பா என்ன சொல்றீங்க? காமெடி சர்க்கஸ்ல ஒண்ண போட क्या बात है। थैंक यू। अरे पूछ रहे लियो क्या बात है। मैंने रोबोट बनाया। रोबोट? रोबोट या साहब रोबोट फिल्म आपने बनाई थी? यस। मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन ले लो साहब, मुझे स्टार बना दो साहब। स्टार बनने के लिए टैलेंट आना मुझे। टैलेंट? टैलेंट? अरे टैलेंट मुझसे क्या पूछते हो, इन लोगों से पूछो। अरे मुझ में तो इतना टैलेंट है कि मैं मोबाइल के वाइब्रेशन से मसाज दे देती हूँ साहब। कभी कभी तो इतने जोश में नाचती हूँ कि मेरे बाली और झुमके भी टीवी के बाहर आके गिर जाते हैं। ओके मैं तेरे को मेरे फिल्म में लेगा, लेकिन एक शर्त है। आई एम रेडी साहब। Hey, पूरा सुनने का रेडी नहीं होने का तो बोलना फिर। मैंने एक रोबोट बनाया है, रोबोट, उसके अंदर तुमको फीलिंग डालना है, गुस्सा प्यार फीलिंग्स। अगर तुमने ये सब कर दिया तो मालूम मैं तेरे को मेरी आने वाली फिल्म में एज ए हीरोइन।
की बहन की बेटी की मौसी के चाचा का दादी का बड़का बेटी का रोल देगा। करेगी? नहीं करेगी, इतना छोटा मोटा रोल मैं नहीं करेगी। एक रिलेशन कम कर दो ना साहब। ओके, गुड बाय। अरे देखा ना शेखू, मैं कैसे बैठे बैठे एक फिल्म की हीरोइन बन गई। वैसे मुझे ना वो क्रिएटिव ने बोला था कि इनको शेखू बोला ना, जब भी कोई नई लड़की आती है तो ये नंबर दे देते। अबे ओए रोबोट के हरमन बावेजा, उधर क्या घबराया घबराया घूम रहा है, इधर खड़ा हो चुपचाप आके। खामोश। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग, तू कौन? मैं मुन्नी बदनाम, और तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि 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 ओ ताकि। अबे ताकि तेरी माँ की, चुप है। अच्छा। बैटरी लो। क्या लो? बैटरी लो, चार्ज 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 चार्ज। अरे मैं तो इन सबको चार्ज करती फिरती रहती हूँ। बस चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया। बस इतनी जल्दी तू चार्ज हो गया? मैं नहीं, शेखर चार्ज हो गया। मेरे आड़ में तूने उसे चार्ज कर दिया। अबे साले तू इंसान बनने आया ना? इंसान प्यार करते, बच्चे पैदा करते, वो छोटे छोटे बच्चे ना दूध पीते। दूध कैसे पीते हैं? ग्लास से पीते हैं। नहीं, क्या बात कर रहा है साले, तुम गिलास पकड़ो, मैं बताता हूँ। 1 2। अरे वाह, क्या बात। मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ए कुत्ते चुप है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, भूल जा सब कुछ। मैं ऐसा हूँ, मैं भूलू ये हो नहीं सकता, तू मुझे भुला ये मैं होने नहीं दूंगा। आ, आ। अरे अबे साले, तेरे जितना सुनील शेट्टी इतना गंदा तो सुनील शेट्टी खुद भी नहीं करता होगा। तुझे तो कुछ नहीं आता, तुझे क्या सिखाने से फायदा, हट यहाँ से, भाग। खामोश। जब से देख रहा हूँ ये ऐसे ऐसे अनाप अनाप बोल रही है, अरे पागल हो गए क्या? मुझे कॉमेडी, मुझे मिमिक्री नहीं आती, ये जानती नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ सब। आओ, तूने मुझे पहचाना नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई, वाहेगुरु की सो मैं भी कर सकता हूँ। ए तेरे को बोला ना, अरे मेरे को मिमिक्री, मेरे को कॉमेडी सिखाई तू, हे बोले तो समझा, नहीं समझी बात को तू। अरे ऐसे कौन समझाएगा, मैं 150 एपिसोड से मिमिक्री किए जा रहा हूँ और 2 एपिसोड तो मैं जीत चुका हूँ। VIP के बच्चे। मार क्यों रही है तू? इसका भाई भी मारता है सुदेश को। मैं तुझे पटाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं तो जजेस को पटाने के लिए आया हूँ, जजेस को। हर बार मैं मिमिक्री करता हूँ, ये लोग अच्छे नंबर दे देते हैं, आज भी देंगे या नहीं देंगे देखते हैं हम लोग। विंदु जी, कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? भाई माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। इतने से टाइम में ये सब करना और इतना विजुलाइज करना, सोचना, हैट्स ऑफ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ आके, बहुत मजा आया। सुपर तारा सिंह जी, बहुत मजा आया, बड़ा हंसी आई, तरह तरह का रोल किया है, बड़ा मुश्किल होता है करना वैसे, बहुत अच्छा हुआ। अर्चना जी, I think इस एक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, एंड आरती योर ग्रेट VIP's पार्टनर एंड द ग्रेट कृष्णा सिस्टर। VIP जब आप एज अ रोबोट आए तो यू आर एब्सोल्यूटली इनक्रेडिबल। थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू सी मच मोर ऑफ यू एंड एंजॉय मच मोर ऑफ यू इन द कमिंग एपिसोड्स।
शेखर जी, अगर मैं ये एक्ट दोबारा देखूंगा जैसा आपने किया फिर से वैसा कीजिए. आई रियली डोंट माइंड एज लॉन्ग एज यू प्ले दैट रोबोट. दैट वाज रियली अमेजिंग. दैट वाज रियली अमेजिंग. अर्चना जी स्कोर्स 9 points. शेखर जी जीतू रहो. आरती 9 points. विंदु और दारा सिंह जी, आप दोनों यहाँ आए, हम सबको बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट वाज लवली हैविंग यू हियर. थैंक यू. आज गुरुओं ने बजाई कॉमेडी की घंटी और चेलों ने चली जादुई चाल और इनके आज के सारे स्कोर्स जुड़ेंगे कल के एपिसोड में. कल फिर होगा कॉमेडी से जादू का मिलन एक नए अंदाज में, ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का जादू. सर चढ़कर बोलेगा.